हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मयंक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। देखिए, आज हम भी पढ़ रहे हैं जो एमटीएस होने वाला, उसके लिए मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन आने वाले 25 क्वेश्चन, उनको हम किस तरीके से ट्रिकी वे में हल कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो 5 मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ वो है डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मेरी ट्रिक रहेंगी। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप उनको देखिए। देखिए, डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन एमटीएस में हमेशा पूछे जाते हैं। एमटीएस हुआ या प्राइसर पोस्ट ऑफिस जो होता है, पोस्टमैन का होता है, मेलगार्ड का, तो उसमें हमेशा डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिस्काउंट का क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट की जो ट्रिक है उसके ऊपर। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट होता है, क्या होता है, छूट होता है। और छूट का मतलब क्या होता है, छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। एमआरपी में मार्क मैक्सिमम रेट ये कुछ चीज होती है, ठीक है, तो रिटेल प्राइस होती है, मार्केट रिटेल प्राइस। एमआरपी पर हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए एमआरपी पर अगर आपको 10% की छूट दी गई है, कितने की दी गई, 10% की छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको क्या मिलेगा, उसकी सेलिंग प्राइस यानी जो बेचने वाली प्राइस होगी वो कितनी होगी, 90 रुपए में आपको वो वस्तु मिलेगी। तो इसका मतलब क्या सीखा, अगर आप एमआरपी में से माइनस कर देते हैं किसको, डिस्काउंट को, तो यू विल गेट, क्या करोगे, आपको क्या प्राप्त होगा, एफपी प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है इसकी ट्रिक। अगर आप एमआरपी से माइनस कर दोगे डिस्काउंट को, तो आप क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इन ऐसे क्वेश्चन हम कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, उस पर थोड़ा बात करते हैं हम। तो इसको तो मैं हटा देता हूं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, समतुल्य बट्टा, जो समतुल्य बट्टा होता है उसके बारे में थोड़ा देखें। तो समतुल्य बट्टे पर क्या होता है, मान लीजिए एक चीज पर, एक एमआरपी पर 10% 20% का समतुल्य, मतलब 20% एक छूट 10% की दी जाती है, दूसरी छूट 20% की दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा याद कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या कहा है मैंने, एक डिस्काउंट तो कितने का है, 10% का है, और दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 20% का है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल को आपको सोल्व करना है, तो मैं इस टाइप को 3 टाइप से सोल्व कर सकता हूँ। 3 टाइप से हम इस चीज के सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, 3 वे में। अब 3 वे कैसे होते हैं, मैं तीनों आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे करें, और मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे 3 वे। पहला वे होता है 100 मानकर, मान लीजिए आपने वस्तु क्या माना, 100 माना, और 100 रुपए में आपने क्या किया, उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसका मतलब क्या हो गई, वो वस्तु 10% का डिस्काउंट, मैंने 10 कर दो तो कितने रुपए की हो गई, 90 रुपए की बेचेंगे। फिर उसने आपने 20% का डिस्काउंट फिर दे दिया, तो 20% का डिस्काउंट फिर निकाल दो, 9 × 2 = 18 यानी -18 हो जाएगा, तो वस्तु कितने की, 72 रुपए की। ये क्या निकल के आएगी, आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। मैंने कहा था कि एमआरपी में से जब भी डिस्काउंट को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यू विल गेट सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट कितना दिया, इसको हटा दो, तो इसको क्या कर देंगे, 28% आपने क्या दिया, उसको डिस्काउंट दिया है, यानी इसमें से क्या कर देंगे, एमआरपी में से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, तो यू विल गेट आंसर डिस्काउंट। ये है 100 मार्कर क्वेश्चन, यानी फर्स्ट मेथड ये कहता है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड होता हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव कहता है कि अगर 2 दी गई हो, तो आप सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x + y + xy/100। देखिए इससे कैसे आंसर आएगा, एक चीज ध्यान रखना, x + y मैंने दोनों छूट दी गई है, जब डिस्काउंट में इनको काउंट किया जाता है तो हमेशा माइनस में होता है, किसमें होता है, माइनस का। तो हम देखते हैं एक छूट कितने की, -10% की दी गई है, दूसरी छूट कितनी दी गई, -20% की दी गई है, और प्लस लगा देंगे माइनस का 10 एंड मल्टीप्लाई माइनस का 20। ठीक है, डिवाइड बाई 100, 10 से 10 कटा, 10 से 10 का माइनस, और माइनस माइनस 30 हो गया दोनों जोड़ेंगे तो, और प्लस माइनस तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्लस का, तो क्या आएगा आपके पास, जो आंसर आएगा माइनस का 28%। तो माइनस का 28% माइनस डिस्काउंट करता है कि आपको क्या दी गई है, 28% क्या दी गई है, छूट दी गई है, ये आपका डिस्काउंट। आप इस तरीके से करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, आप इस तरीके से में करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, विद 5 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। ट्रिक अच्छी है। ठीक है, थर्ड जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो है फ्रैक्शन वे का। आप किसी भी तरीके से कीजिए, तीनों फॉर्मूले बड़े ही अच्छे फॉर्मूले हैं। तो आगे वाला देखें, तो अगला है हमारा फ्रैक्शन मेथड। कौन सा, फ्रैक्शन मेथड।
फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, ये आपको जो छूट दी गई है उसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 10% 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, और दूसरा कितना है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, क्या होता है सीपी, या इसे आप मानोगे एमआरपी मानोगे, क्योंकि हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिस्काउंट, तो ये भी क्या है एमआरपी, ठीक है। मान लीजिए अब हम देखते हैं कि एक तो एमआरपी होगा और दूसरी क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। मान लीजिए वस्तु हमने 10 रुपए उसके एमआरपी थी, 1 रुपए की आपने छूट दे दी, तो वस्तु कितने की बेची आपने, 9 रुपए की बेची, ठीक है। वस्तु कितने की थी, 5 रुपए की थी, 5 रुपए उसके एमआरपी थी, 1 रुपए की आपने छूट दे दी, तो आपने वस्तु कितने की बेची, 4 रुपए की बेची। देख लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एमआरपी 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36। दोनों में कितने की छूट है, 10 से 30 कर दीजिए 14 की, 14 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से 2 करेंगे तो 28%। तीनों ही मेथड में ये आंसर आ जाएगा, आप चाहे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तीनों ही मेथड में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ट्रिक है कितना टाइम लगेगा सर, इससे करेंगे तो भी आपको 5 या 10 सेकंड लगेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे मतलब सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो भी आपको 5 या 10 सेकंड लगेंगे, और फिर अगर उसे क्या बोलते हैं 100 मानकर करेंगे तो भी आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। तीनों ही तरीके बेस्ट हैं, और देखिए कि जो सक्सेसिव मेथड होता है वो 2 में ही काम आता है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको इसी पे बताऊं, डिस्काउंट पर हम पढ़ रहे हैं, आपको छूट दी गई है कितने परसेंट की, एक छूट दी गई आपको डिस्काउंट दिया गया 10% का, दूसरी छूट दी गई आपको 20% की, और तीसरी छूट दी गई आपको 30% की, ठीक है। तीन छूटें आपको रेगुलर रूप से दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि समतुल्य बट्टा याद कीजिए, आपको क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा याद निकालना है। अब आप चाहें किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों मेथड यहां पर एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ एक सक्सेसिव को छोड़कर, क्योंकि सक्सेसिव सिर्फ 2 में ही लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। तो देखिए मैं इसको 100 मान के सॉल्व करता हूं, तो हमने कहा मान लीजिए वस्तु की एमआरपी 100 रुपए है, उस पर आपने 10% की छूट दे दी, तो -10 कर देंगे तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा 90 रुपए, फिर आपने 20% उसमें छूट दे दी, 20% छूट दे देगी तो 18 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो 72 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। फिर आपने फिर इस पर छूट दे दी कितने परसेंट की, 30% की, तो 30% निकालो कितना बैठेगा, 10 और 10 3 12 12 6 21, यानी कितना बैठेगा 21.6, यानी 21 पॉइंट की छूट आपने फिर दे दी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया 50.4, तो आपका क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस है। देखिए ये क्या है, ये आपकी एमआरपी है, ठीक है, और ये आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपसे पूछा गया समतुल्य बट्टा याद करना है, तो मैंने क्या कहा गया था, अगर आप एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, बट्टा मिल जाएगा, तो आप 100 - 50.4 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट आंसर 50 50 49.6, दिस इज द आंसर 49.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गई है, ठीक है, तो ये क्या है आपका समतुल्य बट्टा आ गया है। ये पहली ट्रिक से मैंने आपको फॉलो करके बताया, दूसरी ट्रिक सक्सेसिव होती है, तो सक्सेसिव इसमें काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, सक्सेसिव सिर्फ 2 पे ही काम करता है, तो ये 3 है। तीसरा हम जो फ्रैक्शन ट्रिक है उसको देखते हैं, भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 अगर आपको पता है, नहीं आता है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, 10 उसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करने का मतलब 1 0 से 1 0 कट गया, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/10, तो 1/10 आ गई, तो ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि नीचे वाला एमआरपी होता है, ऊपर वाला आपका डिस्काउंट होता है, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू है वो है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, और 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। आप निकालेंगे आपको यही फ्रैक्शन वैल्यू मिलेंगे, ये मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बता दी, यही फ्रैक्शन वैल्यू आपको फाइंड होगी। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें 2 चीज रखनी है, एक एमआरपी दूसरी सेलिंग प्राइस। मान लीजिए वस्तु 10 रुपए की एमआरपी आपने रखी थी, 1% की छूट दे दी, आपने 9 रुपए में बेच दी, ठीक है। फिर वस्तु मान लीजिए आपने कितनी थी, हो गया 5 रुपए आपने एमआरपी रखी, 1 रुपए की छूट दे दी, तो आपने वस्तु 4 रुपए की बेच दी,
ठीक है, आपने 10 रुपए की रखी थी और 1% की छूट दे दी, तो आपने वस्तु कितने की बेच दी, 7 रुपए की बेच दी, यानी 3 रुपए की छूट दे दी। तो देखिए काउंट कर लेते हैं क्या आएगा, 10, 9, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 100 और 100 यानी 500 रुपए तो आपका एमआरपी आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई करो 9 70 70 और 2 252। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखी, तो फ्रैक्शन वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी का मतलब 10 रुपए की थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 9 रुपए की बेच दी, 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 4 रुपए की बेच दी, और उसके बाद में 10 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का मतलब 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितनी बेच दी, 7 को बेच दी। मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो यू गेट आंसर 500। इसको इससे करोगे तो ये आएगा आपके पास 252। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 248। और किसमें से, 500 रुपए डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का देंगे 4 4 5 20, उसके बाद फिर कितना बचेगा, 5 और 4 5 43। देन यू विल गेट आंसर, मैं आंसर यहां पर लिख देता हूं, 5 और 5 9 5 45 9, और डेट आ जाएगा 9.6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए उधर से करा था तो भी आपको ये आंसर मिला, ऐसे करेंगे तो भी आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। ये है समतुल्य बट्टे की ट्रिक, किस तरीके से फॉलो करनी है, किस तरीके से फॉलो नहीं करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है चलो, ये तो रहा एक छोटा सा, इसके ऊपर हम तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, और हम उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे उस पर और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो आप इस तरीके से कर लोगे, मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे डाल देता हूं कि एक वस्तु पर एमआरपी पर क्या की जाती है, दो छूटें दी जाती है, एक छूट दी जाती है 57.17% की, और दूसरी छूट दी जाती है 66.23% की। इसको कैसे याद करेंगे, पहली छूट है 57.17% और दूसरी छूट है 66.23% की छूट है, इसको कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड है, वो है फ्रैक्शन मेथड। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 2/3। अगर आपको नहीं आता है तो आप देख लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा 400/7, और किससे, 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो देन फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, इसका देखेंगे 66 66 ऊपर देंगे तो यानी 200, और 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यू भी याद कर सकते हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम अब इसका देखेंगे एमआरपी और फिर सेलिंग प्राइस। एमआरपी कितनी है, 7 रुपए की थी, 2 4 रुपए की छूट दे दी गई तो कितने की बेची गई उसको, 3 रुपए की बेचा गया। एमआरपी कितने की थी, 3 रुपए की थी, 2% की छूट दे दी गई, 1 रुपए बेचा गया, ये हमारे पास एमआरपी, इसको इससे काट दो तो मतलब 7 रुपए एमआरपी थी, 1 रुपए में बेचा गया, कितने की छूट दी गई, 6 रुपए की छूट दी गई, कितने में दी गई, 7 पे दी गई, और मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये फ्रैक्शन का है, 6 को 7 से करेंगे, 600/7, और मल्टीप्लाई आप भाग दे दो 6 35 35 8 8 5 5/7% आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ये और मैंने ऐसे काटा, अगर आप ऐसे भी नहीं काटोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 3, तो वही चीज आ जाएगी कुछ नहीं, कि कितने की छूट हो गई 18 की डिवाइड बाई कितने पर हो गए 21 की डिवाइड बाई 100, 18 से 3 से 3 बार कट गया और ये कट गया 7 बार, 3 और 7 नहीं 6 बार कट गया ना 6 बार, तो 6/7 दोनों चीजें में इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, संतुल्य बट्टा इतना हो जाएगा, इतना परसेंट की आपने छूट दे दी गई। समझ में आई, अच्छी ट्रिक है, और आपको यू विल गेट आंसर इन 5 सेकंड, और तीनों मेथड आपको मैंने बता दिए, तीनों मेथड से आप इनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये थी कि डिस्काउंट के ऊपर ट्रिक,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस पर वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है, आपके यहाँ पर आ भी रहा होगा, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मतलब दो वस्तु जिनका कॉस्ट प्राइस क्या है इक्वल है, ठीक है, जो कि 1200 रुपए, कितना है 1200 रुपए। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत में याद कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा दो आर्टिकल हैं और जिनका क्या है कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब 1200 रुपए है, ठीक है। एक को प्रॉफिट पर बेचा गया, एक को कितने पर बेचा गया, 20% पर, यस, एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया और एक को लॉस पर बेचा गया, और लॉस कितना था 25% का लॉस पर बेचना है। और आपको याद करना है प्रॉफिट या मतलब परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत में याद करनी है, कोई भी चीज हो सकती है। देखिए इसको बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं, कल मुझे कमेंट किया गया था कि सर आप थोड़ा बेसिक बताइए, तो मैं इसका बेसिक भी आपको बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, 5 सेकंड में आंसर आएगा आई गारंटेड, ठीक है। कैसे बेसिक करते हैं, मान लीजिए एक कितना है 1200 रुपए का है, इसको हमने कितने पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा, तो बताइए 120/100 सेलिंग प्राइस निकाल दोगे, 20 से 20 कट गई और कितना हो जाएगा 1240, 144, ये क्या हो गया इसकी सेलिंग प्राइस, 1440 पर आपने उसको बेचा। ये तो फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल निकाल दे, 1200 रुपए की वैल्यू थी, 25% का मतलब लॉस पर बेचा, इसका मतलब कितना हो गया 75, ठीक है, डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कट गई, 12×5=60, आंसर की 6 और 12×7=84, 84 और 900 रुपए। तो आपका आंसर क्या हो गया, दो सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अब आपको इसको जोड़ना है, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2340 रुपए, ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई, और ये 1200 रुपए से आपका मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 2400 रुपए हो गई। इसका मतलब क्या है, 2400 रुपए में आपने खरीदी, 2340 में आपने बेची, तो आपको लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ 60 का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 2400 पर हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20 कट गया और 6 कट गया और 600 कट गया, कितनी बार 6, तो आपका आंसर आ रहा है कितना है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल 6 का भाग लूंगा मैं इसमें 60 में, 24 से 24 5, 2 बार चला गया, 2 2 5 10 चला गया, 2.5%, यानी आपको कितना हो रहा है, 2.5% का क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस। तो ये तो बेसिक मेथड है यार, अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, इट इज अ बेसिक मेथड, बेसिक मेथड है तो ऐसा हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो रिमेम्बर ऑलवेज दिस ट्रिक, इस तरीके से सिर्फ 5 सेकंड का 2 सेकंड में आंसर आएगा आई गारंटी, देखिए कैसे आएगा। मान लीजिए आपको क्या पता है कि आपको क्या है, जब दो वस्तुओं का क्या हो कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, यानी सीपी दोनों का क्या हो इक्वल हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रतिशत में निकालना है तो रिमेंबर दिस ट्रिक टू, एस का मतलब लाभ और वाई का मतलब प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप प्लस में लिखेंगे, और अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको आप माइनस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। देखिए आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 20% का, तो प्लस 20%, और फिर आपको क्या हुआ लॉस हुआ कितने का, तो माइनस 20% का, और डिवाइड बाय 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5, 25 में से 20 घटेगा माइनस 5, 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 2.5%, और ये क्या आएगा माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस में, तो माइनस क्या इंडिकेट करता है, टोटल सौदे पर आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 सेकंड में यू विल गेट आंसर, और रिमेंबर दिस ट्रिक, ऑलवेज फॉलो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो तो आप उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ यही सीखा है, मैंने आपको डिस्काउंट फाइंड करने की 3 ट्रिक बताई है और चौथी ट्रिक मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। एक और ट्रिक है लेकिन अभी ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, दो वो ट्रिक क्या है कि ये तो है कि कॉस्ट प्राइस सेम हो तब कैसे करेंगे, और जब सेलिंग प्राइस सेम हो तब कैसे करेंगे, तो वो ट्रिक मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए शेयर जरूर करिए, शेयर से क्या होता है कि आप शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है ना कि भाई मैं शेयर कर दूंगा तो उसको ये ट्रिक पता पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जितना हम एजुकेशन को या विद्या को बांटते हैं उतनी बढ़ती है,
और वो थैंक यू भी बोलते हैं आपको उस चीज के लिए। तो 25 तारीख को हम एमटीएस देने जा रहे हैं, तो एमटीएस के लिए आप जो ट्रिक बताइए डिस्काउंट के ऊपर उनको फॉलो कीजिए। समतुल्य बट्टे का डेफिनेट क्वेश्चन आता है, तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं और जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप करें क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये ट्रिक है। और दूसरा, ये कॉस्ट प्राइस सेम हो तो ये स्टेप का मैंने क्वेश्चन बताया आपको, और एक और जो है वो सेलिंग प्राइस सेम हो तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे किस टाइप से करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देखें, वॉच करें और वो टाइप की जो ट्रिक बताई है उनको पूछें, मतलब क्या क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट मोर। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। कैसी लगी ट्रिक बताइएगा मुझे जरूर। थैंक यू बॉस।